अस्सलाम वालेकुम, मैं किंग शेफ शाहिजर। जैसा कि हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मालपुआ, मालपुआ भी होता है और हमारे मालपुरा भी कहते हैं, तो वो बनाना सिखाएं। बहुत ही अच्छा और आसान और बेहतरीन और मज़ेदार बनेगा। ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं शक्कर से, अनीस भाई, अनीस मेमन साहब। ये उनकी बेहद फरमाई थी, उनके लिए बहुत ही मैंने यानी कि टाइम निकाला है अपना। मैं आजकल थोड़ा काम में फंसा हुआ था तो मैंने निकाल के मैंने कहा नहीं यार ये डालें रेसिपी, तो आए आपको सिखाते हैं। बहुत थोड़ी रेसिपी है, ज्यादा बनाना चाहते हैं डबल कर रहे हैं, सही है। तो ये हम अपने प्यारे दोस्त अनीस भाई सक्खर से उनके नाम करते हैं और भी जितने तमाम देखने वाले व्यूअर्स से उनके नाम भी करते हैं। तो आए बनाते हैं मालपुआ। देखिए मालपुआ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक कप मैदा, 100 ग्राम खोया ले लिया हमने मार्केट से, मिल जाता है, उसको बिल्कुल बारीक क्रश कर लें। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून एंड द हाफ सूजी, ये हो गया। पिस्ते थोड़े से ले लीजिएगा, 10 ग्राम ले लें बारीक चॉप कर लें। बादाम ये भी 20-25 ग्राम ले लें बारीक चॉप कर लें। 8-9 अदद इलायची ले लें, उसमें से थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे हम, इसमें से आधा डाल देंगे या पूरा डाल दें कोई मसला नहीं। 1 कप चीनी और 1 पिंच के करीब जाएगा बेकिंग पाउडर और 1 पिंच जाएगा नमक। बहुत आसान बेहतरीन बनने वाला, चले आए आपको बताते हैं। और दूध लेंगे हम, तकरीबन आधा किलो दूध है, इसमें से हमारा 1 कप या उससे थोड़ा सा ज्यादा मालपुए में इस्तेमाल होगा। बाकी हम आपको इसकी एक रबड़ी होती है बनाने की जो कि मालपुआ खाया जाता है उसके साथ, तो वो हम आपको सिखाएंगे कि आप वैसे भी खा सकते हैं, रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं। अगर शीरे में नहीं डालना है तो रबड़ी के साथ खाएं, और अगर शीरे में डालना है तो फिर रबड़ी ना बनाएं। तो ये दोनों चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। तो आए जी, सबसे पहले क्या डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा मैदा चला गया 1 कप। अच्छा, दूध ले लिएगा थोड़ा सा हल्का नीम गरम, उबाल लिएगा दूध को, ठंडा कर लिएगा, और नीम गरम हो तो फिर इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून एंड द हाफ यानी कि 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं सूजी, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। अलग अलग लोगों की अलग अलग रेसिपी होती है, तो इसलिए हमारी, हम जैसे बनाते हैं वो हम आपको सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके अंदर जाएगा हमारा इलायची पाउडर, पूरा डाल दें फिर आप उसमें नहीं डालिएगा, और थोड़ा सा केवड़ा भी चाहिएगा, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। बेकिंग पाउडर देखेंगे 1 पिंच के करीब, यानी कि 1/4 टीस्पून रख लें आप। ये देखें 1/4 टीस्पून नमक। तो ये करने के बाद ये है हमारा लेमन कलर, सही है, जर्दा कलर नहीं, लेमन कलर। 1/4 टीस्पून या थोड़ा सा हसबे रोज, ये बहुत तेज है तो हल्का सा हमने डाल देना, ये बड़ी प्यारी खूबसूरती लाएगा। और हमें चाहिए होंगे, सही जी, ये करने के बाद हमने, ये पीछे रह गए थे अंडे, हमने नहीं बताया, 2 अंडे लेने, इसमें 1 अंडा भी जा सकता है और 2 अंडे भी, वो हम आपको बता देते हैं अभी। तो ये हो गया, इसको हमने पहले तो मिक्स कर लेना अच्छी तरह। सही जी, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अब हम 1 कप लेंगे दूध, ले रहे 1 कप। कप हम थोड़ा छोटा देते हैं, ये बड़ा कप है थोड़ा, ये देखिए थोड़ा इस साइज का कप लें। तो इसमें डालेंगे हम पहले आधा कप डाल दें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पूरा 1 कप डालते, देखिए अच्छी तरह इसको आपने
क्योंकि इसके अंदर आपको पता है सूजी डली है, तो अभी हम इसको राइस होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हमें दोबारा थोड़ा सा दूध चाहिए होगा क्योंकि सूजी फूल जाती है, सही है ना। तो सूजी फूल जाएगी तो फिर उसको थोड़ा पानी और चाहिए होगा, तो घबराना नहीं है आपने। इसको अभी अच्छी तरह हमने फेंट के इसको 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें, किसी गर्म जगह पर रख दें इसको। तो 1 से 2 मिनट इसको फेंटे, सही जी, इसको हमने रख देना थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रख दें। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमें इसमें कितना चाहिए, दूध अगर चाहिए होगी, जरूरत होगी तो हम डालेंगे, नहीं तो फिर हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे, सही। उस टाइम तक हम आपको रबड़ी बनाना सिखाते हैं, सही जी। रबड़ी के लिए हमने ये दूध रखा था, 1/2 किलो में से 1 कप निकाला था, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, वो हमने एक सॉस बन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे। सही, ये फुल ऑन कर दें और उसको पकने दें आस्ता आस्ता। सही जी, इसके साथ हमने इसके अंदर थोड़ी सी थोड़ा सा खोया मिलाएंगे, इसका 1/2 खोया मिला देंगे हम इसमें, तकरीबन 50 ग्राम के करीब मिला दें, 1/2 किलो में 1 पाव भी मिला सकते हैं आप, यानी कि 1/2 पाव भी मिला सकते हैं 1/2 किलो दूध में। सही जी, आस्ता आस्ता इसको दरमियानी आंच पे इसको पकने दे अच्छी तरह, और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चीनी मिला के फिर इसको उतार देंगे जी। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क लेके आएंगे, वो थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 1/2 कप कंडेंस मिल्क इसमें मिलाते हैं। ये देखें, ये जो इसके साथ खाई जाती रबड़ी है, यही होती, वो रबड़ी नहीं होती जो कि हैदराबाद की मशहूर रबड़ी होती है, सही, वो किसी चीज के साथ खाई नहीं जाती, वो बहुत चिकनी होती है, क्योंकि ये मालपुआ भी चिकना और वो भी चिकना, तो इसलिए इसके साथ ये वाली रबड़ी बनाई जाती है। ये रबड़ी फ्लेवर होता है, बहुत मजे की लगती है ये। मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी हमने यानी कि 2 इलायचियां ले लेंगे, वो भी पीस कर डाल देंगे अच्छी तरह। ये हमारा कंडेंस मिल्क आ गया, ये देखिए इसके अंदर हम अंदाजे से डालेंगे, तकरीबन ये हमारा 1/2 कप के करीब डल गया इसके अंदर, 1/2 किलो दूध और 1/2 कप कंडेंस मिल्क, बहुत है। इसको मिक्स करें इसके अंदर अच्छी तरह, बहुत जबरदस्त ये बनती है। ये 2 अदद इलायचियां हमने इसके अंदर मिला दी पीस के। अब हमने आग थोड़ी ऊंची कर देनी है, दरमियानी, फिर इसको आपने पकाना है अच्छी तरह, इतना पकाएं कि ये गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर हम इसको उतार देंगे, स्लो आंच कर दें, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकने दें, और जैसे जैसे साइडों पे आता रहे इसको पीछे करते रहें ऐसे। अभी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, इसको भी हमने स्लो आंच पे छोड़ देना है, स्लो आंच पे हमने छोड़ दिया, इसको पकने दें बिल्कुल स्लो आंच पे, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं। जी, हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट छोड़ा था, ये देखें अब इसके अंदर ये जो है हमारा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने खोया मावा। अगर आपके पास जहाँ रहते हैं आपके पास खोया नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है, 4 टेबल स्पून सूखा दूध लेके उसके अंदर 1 टीस्पून आम दूध जो घर का होता है वो मिक्स करके उसको मिला लें, और 1 सेकंड के लिए ओवन में रखें, माइक्रोवेव में, और निकाल लें, वो ठंडा हो जाए वो उसमें मिला लें। तो ये हो गया, एक अंडा पहले हम तोड़ेंगे इसमें, इसमें रवाने रहेंगे।
तो ये आपने जलेबी का देखा होगा जो होता है उससे थोड़ा सा पतला रखना है, ये देखो सही जी। अब इसको हम रखते हैं तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अंडा मिलाएंगे, नहीं तो हम नहीं मिलाएंगे। जब तक हम शीरा बना लेते हैं, ये देखें 1 कप चीनी और 1/2 कप इसके अंदर पानी मिला के इसका शीरा हम रख रहे हैं चूल्हे पे, पक जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिये बिल्कुल हमने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ, आप देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम केवड़ा ले लेंगे कोई भी अच्छे वाला, चंद कतरे, 1-2 कतरे आपने केवड़े के इसमें डाल देना। इसको मिक्स करने, देखे गाढ़ी हो गई फर्स्ट क्लास। ये इस तरह की रबड़ी इसके साथ खाई जाती है मालपुए के साथ, हमारे यहाँ बहुत बन रही है मगर इसी तरह की होती है, क्योंकि रबड़ी सख्त होगी तो कैसे खाएंगे आप। तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पर भी पकने दें। और ये मैंने ये चीनी के लिए रख दिया, इसमें ये हमारा गया 1 प्याला चीनी, ये देखें 1/2 कप से थोड़ा सा कम खाएंगे के बाद। शीरा तो आप लोगों को पकाना आता ही होगा, सही है ना, आपने नॉर्मल शीरा पका लेना है, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा पतला। कहीं चीनी को अच्छी तरह घोल के और फिर आपने शीरा तेज करके इसको पकने दें, 1 से 2 उबाले जला के इसको हमने उतार लेना है जी। ये देखिए इसको मैं थोड़ी सी आग तेज करूंगा, थोड़ी सी आग तेज करें, ये देखो कितनी जबरदस्त बन गई है। अगर आप इसको ब्राउन करना चाहें तो थोड़ा और पका लें, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देगी हल्की ब्राउन, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। वो ले लें या फिर ऐसे ही रखना है तो फिर ऐसे ही आप रख लें। ये हमारी रबड़ी तैयार है तकरीबन, फुल तेज आंच करके इसको कलर देना, हल्का सा हम देंगे कलर ताकि खूबसूरत लगे। सही जी, ये हम बस पका रहे हैं, इसको पक गई हमारी, देखें जब बबल्स आने लगे इसके अंदर तो समझे ये आपकी तैयार है। बस फिर हम इसको पकाएंगे, देखें हल्का मैंने इसको ब्राउन, हल्का सा ब्राउन कलर दिया। सही, इसको हमने चूल्हे को बंद कर देना, ये भी देखो उबल रहा है पानी, शीरा भी समझो तैयार है। बस इसको 1 से 1.5 उबाल जलाएंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। ये रबड़ी हमारी तैयार है, हम इसको निकाल देते हैं। सही, अब हम आपको हमारा वो भी बैटर भी तैयार है, अभी हम आपको मालपुड़े बनाना सिखाते हैं कि किस तरह बनेगा और इसके साथ कैसे खाना है। ओके, फिर हम दिखाते हैं। ये हमने इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दिया था, अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालना है। देखें तो ये देखें बिल्कुल बैठा हुआ हो गया, तकरीबन हमने 1/4 कप से थोड़ा सा कम डाला, ये भी बचाया उसमें से। सही, अब हमने इसको अच्छी तरह फेंट लिया, सब कुछ कर लिया। अच्छा, ये बनेगा घी में। सही, आप देसी घी ले लें या फिर आप डालडा घी ले लें, ऑयल में नहीं बनाइएगा, ऑयल में अच्छा नहीं बनता, उसमें ही आएगी। सही, ऐसा चमचा ले लेना आपने, ये देखें ये। सही, चलिए अब चलते हैं, मैंने ऑयल चढ़ा दिया, अब उसमें हम बनाएंगे इसको। सही जी, ये देखें शीरा भी हमारा तैयार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल ऑयल अपना घी होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, अपने हिसाब से जितने जितने बनाने हैं आपने, एक ही लाइन पर रखना।
थोड़ा सा तेज कर दें, थोड़ा हल्का सा लाए बिल्कुल, अब इसको दोनों तरफ से हल्का ब्राउन करके हमें निकालना। बिल्कुल आप सफाई से डालेंगे, ऊपर करके डालें इसको, बिल्कुल इसके बैटर को उतने ही खूबसूरत और गोल आएंगे। सही, आग हमने दरमियानी कर दी है, ना ज्यादा तेज और ना ज्यादा हल्की, बिल्कुल हल्की भी नहीं रखिएगा। शुरू का हमेशा ज़रा ऐसा होता है कि शुरू में आपको कोई भी चीज़ करनी होती है तो वो एक आइडिया होता है कि यार ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो इसलिए शुरू की चीज़ जो भी होगी वो ज़रा थोड़ी मुश्किल से सही होती है। तो ये आपके ऊपर कलर है कि कितना कलर देना है, क्या देना है, कैसे देना है। जी एक साइड से कलर आ गया, समझे आपका ये तैयार है वाला। अब इसको हाथ के हाथ आपने शीरे में डिप करना है, बस ज्यादा नहीं करना, एक से दो मिनट भी नहीं, बस ये डाला और प्लेट में है उसमें आपने इसको बिल्कुल निचोड़ के निकाल दिया। और जो शीरे वाला होगा, जैसे ये चमचा हमारा ये चमचा शीरे वाला हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी घी में नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, सारा घी काला हो जाएगा आपका। ये देखें ऐसे यहाँ तो साफ करने कपड़े के साथ, सही दरमियानी आग में बैटर को और पतला करना है तो फिर अंडा मिलाएं, मगर नहीं बेहतर नहीं है, ये सही है, थोड़ा जान में होना चाहिए, अच्छा लगता है खाने में, मजेदार होता है। और चूल्हा तेज कर लें, ये आप इसको भी खा सकते हैं उसके साथ, यानी कि रबड़ी के साथ, नहीं तो सादा भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये भी हो गया,
شیرے میں یہ نہیں کہ آپ نے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے، تو بس مٹھاس کے لیے ہوتا ہے، یہ خود ہی نرم ہو جائے گا باہر نکل کے. اب چولہا ہم ہلکا کریں گے، صحیح جی یہ ہمارے تیار ہیں، یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہترین نرم ملائم اور زبردست قسم کے ہیں. یہ ہمارے انیس بھائی کی بےحد فرمائش تھی. انیس بھائی آپ نے کھانے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آ جائے گا. اچھا جی اب کیا کرنا ہے ہم نے، یہ دیکھیں یہ پستہ آ گیا ہمارا، یہ بادام، کوئی وہ نہیں کہ دو دن چھوڑے ایک دن چھوڑے، ملا کے اسی ٹائم بنائیں آپ، 15 سے 20 منٹ میں بن جائے گا آپ کا. یہ یہ ہو گیا. اچھا جی یہ ہماری ربڑی ہے، یہ ہم ادھر بیچ میں رکھ دیتے ہیں، یہ دیکھیں زبردست انیس بھائی مزہ آ جائے گا. یہ ربڑی ایسی ہوتی ہے زبردست. اب دیکھنے والے بھائی بولیں گے یار کھیر کی طرح، کھیر کی طرح نہیں، کھاؤ گے تو پتا چلے گا کیسی ہے. اس ربڑی اس کے ساتھ یہی والی ربڑی کھائی جاتی ہے. یہ ہو گیا ہمارا، اب ہم نے لے لینا ہے چاندی کے ورق، پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. صحیح ہم نے کاٹ لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ورق کے، چاندی کے ورق لگانا چاہیں لگا لیں، نہیں تو نہیں لگائیں، یہ کہ اچھے لگتے ہیں تو اس لیے ہم لگا رہے ہیں، ایک خوبصورتی آئے گی آپ کی اس میں. صحیح جی انیس بھائی اور تمام دیکھنے والے فرینڈس کے لیے تیار ہے مال پورا ہمارا. اب آپ نے ہمارے چینل پہ آنا ہے کنگ شیف شاہی جٹ جی اے پاکستان، اس پر لائک کریں سبسکرائب کریں، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں میرا نمبر لکھ لیں 0315-0004-999 0315-0004-999. اس کے ساتھ ہی پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.